जैसा कि जब बात आती है भविष्य को लेकर के, तो भविष्य हमेशा लगातार सुर्खियों में बना होता है और भविष्य को लेकर हमेशा लोग चिंतित होते हैं। बात कर रहा हूँ बिजली विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की, जो कि लगातार 10 वर्षों से अपनी मांगों पर अडटे रहे हैं कार्य करने के बाद भी, लेकिन किसी भी तरह से शासन की सुध ही सुर नहीं आ रही है। और इसी सदबुद्धि को खोलने के लिए मध्य प्रदेश अधीनस्थ रीवा जिले में बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सरकार की सदबुद्धि खोलने के लिए चिरोलानाथ स्वामी में 23 मई 2022 को हवन यज्ञ रखा है। और इस हवन यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है, सरकार की जो बुद्धि है सदबुद्धि में परिवर्तित हो जाए, और सदबुद्धि आने के बाद कर्मचारी हितैषी भी दावे और जो कर्मचारी हितैषी नीति है वो धरातल स्तर पर भी लागू हो। और ये जो कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर हो, चाहे पंचायत के सचिव की ओर हो, यानी कुल मिला के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं और आउटसोर्स के रूम में लगातार कार्य कर रहे हैं और इनके लिए कोई अच्छी नीति देखने को मिल नहीं रही है, इसके लिए इनके द्वारा सभी कर्मचारियों के हित के लिए हवन यज्ञ रखा गया है। लेकिन मैं उस शासन सत्ताधारियों से पूछना चाहता हूँ कि आप 5 साल के लिए इस शासन सत्ता में एक सेवक के रूप में आते हैं और सेवक के बाद में जैसे ही आपको सेवक की पदवी दी जाती है, आप राजा जैसी नीति अपनाने लगते हैं और अपने मन मुताबिक जो वादे होते हैं, मन के जो दावे होते हैं, वो आप धरातल स्तर पर ठोकने लगते हैं और ये गूंज लगातार गूंजती रहती है। लेकिन आखिर कब तक इन कर्मचारियों के लिए आप धरातल स्तर पर आएंगे? जो सेवक का नाम जो आप कलंकित कर रहे हैं, तो आखिर इसको कलंकित करना कब बंद करेंगे? आखिर जनता चुनती है आपको अपने समस्याओं का अवगत करवाने के लिए। आखिर जब समस्याओं का अवगत करवाया जाता है तो आखिर आप इस पर मौन क्यों हो जाते हैं? क्या मुंह में दही जम जाती है आपको कुर्सी धारण करते ही? क्या लगातार आंदोलन करना एक उचित है? अगर 10 वर्षों से लगातार आंदोलन समय समय पर अगर किया जा रहा है तो आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या इस पर आपके यहां बैठे हुए पदाधिकारियों को नहीं दिख रहा है? क्या इन कर्मचारियों का लगातार शोषण होता रहेगा? आज की महंगाई की स्थिति में अगर 300 रुपये अगर आप डेली की मजदूरी देते हैं, क्या 300 रुपये एक सफिशिएंट माना जाएगा? क्या 300 रुपये में हो जाएगा? अरे साहब, 300 रुपये प्रत्येक दिन में आपका फोन का रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी ये सेवक से राजा का जो रूप आपने धारण कर दिया है और जो सौतेला व्यवहार जैसा, यानी मुंह में कुछ और है, पेट में कुछ और है, ये चीजें देखने को मिल रही है। इन कर्मचारियों के लिए कभी भी आप अच्छी नीतियां लेकर नहीं आ रहे हैं। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आपके द्वारा अनेकों घोषणाएं होगी और इस चुनावी माहौल में अनेकों दावे होंगे, जो कार्य के जो क्रियाकलाप हैं उसको आप जरूर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन क्या इस रोजगार को लेकर के, इन कर्मचारियों को लेकर के आप कुछ बोल पाएंगे? आपकी मजबूरी है इन कर्मचारियों से कार्य करवाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जितने लोग को रोजगार दिए हैं कितने दिनों के लिए दिए हैं? आप अभी बोल रहे हैं कि हम 1 लाख लोग को रोजगार दिए, 2 लाख लोग को रोजगार दिए, चाहे प्राइवेट संस्था में आप दिए हों, लेकिन क्या 6 महीने बाद ये आप बोल पाएंगे कि इन कर्मचारियों को कहां भेज दिया गया है? शायद आपको मालूम ना होगा 6 से 9 महीने के बीच में इन कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाता है और फिर से नई भर्ती प्रक्रिया चालू की जाती है और नई भर्ती प्रक्रियाओं को भी आपके द्वारा कार्य जैसी संख्या जोड़ दी जाती है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है सभी कर्मचारियों के साथ में, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, पंचायत के सेक्रेटरी हैं जो रोजगार सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी हैं, इन पर आखिर अमल कब होगी? इसके लिए आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना होगा और इनकी काली करतूतों को सबके सामने उजागर करना होगा, जिससे भी आम पब्लिक भी ये जान सके किन कर्मचारियों के साथ में कितना शोषण हो रहा है, आखिर कितने बेतर पे ये कार्य कर रहे हैं, या टेक्निकल होते हुए 300 रुपये प्रत्येक दिन की ये मजदूरी कर रहे हैं और यहीं पर एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति 400 रुपये मजदूरी कर रहा है। क्या मजदूर से टेक्निकल व्यक्ति गिरा हुआ है? मैं मानता हूं मजदूर को मजदूरी बहुत बेहतर तरीके से मिल रही है, लेकिन जो विभाग के साथ जुड़ करके मजदूरी कोई कर रहा है उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? चाहे ग्राम पंचायतों की बात हो, वहां पर 200 रुपये प्रत्येक दिन की मजदूरी दी जा रही है। क्या 200 रुपये में किसी भी ग्राम में कोई भी मजदूर कार्य करेगा? अरे वो तो प्राइवेट जगह कार्य करना पसंद करता है, 400-500 रुपये मिलते हैं। और ये तो भला बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है। इस तरीके के साथ अनोखे अंदाज में आंदोलन करना और सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ करना
शायद है कोई बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों सीखे। आखिर लगातार अनेकों तरह से बीच बीच में देखा जाएगा, कभी मुंडन का आंदोलन, कभी फांसी का आंदोलन, कभी जल सत्याग्रह का आंदोलन और कभी हवन यज्ञ आंदोलन। फिर भी यह सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार कभी इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं जाता है। लगातार अपने झूठे दावे पे दावे, लगातार झूठे वादे पे वादे लगातार करती आ रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए कभी भी इनके पास समय नहीं होता है और सेवक से राजा का रूप धारण करके रखे हैं। और जब बात आती है कैमरे के सामने की, कैमरे के सामने बोलते हैं ये सेवक आपके हित के लिए है, ये करने वाला है। अरे इन कर्मचारियों के लिए भी एक बार बोल दीजिए और सेवक शब्द का आप अनर्थ में सेवक शब्द का आप उपयोग ना करिए, क्योंकि उपयोग करने से सेवक शब्द का नाम कहीं ना कहीं से अपमानित होता है। कभी रामचरितमानस के अधीन अगर आप चौपाइयों पर अगर ध्यान देंगे तो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में हनुमान जी अपने आप को सेवक महसूस करते थे। कभी उन्होंने आंख उठाकर बात नहीं की, कितना उनके राजा बोलते थे, जितना उनके भगवान बोलते थे और जितना उनके द्वारा गुजारिश होती थी, शायद सेवक वही कार्य करता था। आपकी सेवक जैसी जो आपकी ये नीति है, आखिर ये कहाँ जा रही है? क्या जिन्होंने वोट दिया है इनकी समस्याओं पर प्रकाश डालना ये कहीं कहीं गुनाह है? क्या किसी मुद्दे पर आवाज उठाना कहीं ना कहीं गुनाह है? सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार देना ना भूलिएगा। ऐसे ही अनेकों मुद्दे के साथ मैं आता रहूंगा समय समय पर। इसी साथ देखते 24 मैं रंजन सवाल, जय हिंद।